तो दोस्तों, अब तक हम मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की बहुत सारी मूवीज देख चुके हैं और लगभग हर मूवी में हमने देखा एक इन्फिनिटी स्टोन, और आने वाली एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर मूवी की स्टोरी भी इन्हीं स्टोन्स पर बेस्ड है। आज हम इन्फिनिटी स्टोन्स के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, देखेंगे इनकी ओरिजिन, बात करेंगे इनकी पावर्स की और जानेंगे क्या है इनका यूज़ इन्फिनिटी वॉर मूवी में। तो आइए देखते हैं। इन्फिनिटी स्टोन्स की एक शॉर्ट ओरिजिन हम गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी 1 में देख चुके हैं, जिसमें कलेक्टर ने कहा था कि यूनिवर्स के बनने से पहले 6 सिंगुलैरिटीज थी और धमाके के बाद यूनिवर्स बना और सिंगुलैरिटीज के बचे हुए हिस्से से बने इन्फिनिटी स्टोन्स। हालांकि कलेक्टर ने यहाँ पर कम्प्लीट स्टोरी नहीं बताई थी और मूवी के ऑफिशियल सोर्स से हमें पता चलता है कि बिग बैंग के बाद यूनिवर्स बना और फिर कॉस्मिक एंटिटीज जैसे कि डेथ, एंट्रोपी, इन्फिनिटी और एटर्निटी, इन सभी ने मिलकर सिंगुलैरिटीज के बचे हुए हिस्से से बनाए इन्फिनिटी स्टोन्स। लेकिन कॉमिक्स में इनकी ओरिजिन स्टोरी अलग थी, जिसमें सिर्फ एक कॉस्मिक एंटिटी जिसका नाम था नेमेसिस, उसने खुद को तबाह किया था और फिर यूनिवर्स बना और नेमेसिस के बचे हुए हिस्से से बने इन्फिनिटी स्टोन्स। और पहले कॉमिक्स में इन्हें सिर्फ सोल जेम्स के नाम से भी जाना जाता था और इनका कलर भी अभी की इन्फिनिटी स्टोन्स के कंपेयर में अलग था। मार्वल सिनेमेटिक यूनिवर्स में टोटल 6 इन्फिनिटी स्टोन्स है, जबकि कॉमिक्स में एक 7वां स्टोन भी है जिसे ईगो जेम के नाम से भी जाना जाता है, और इस 7वें जेम के बारे में कॉमिक्स में भी बहुत कम ही बात की गई है। 6 इन्फिनिटी स्टोन्स में यूनिवर्स की 6 बेसिक पावर्स है, जो कि है स्पेस, टाइम, रियलिटी, माइंड, सोल और पावर। इन स्टोन्स को तबाह नहीं किया जा सकता, उल्टा अगर किसी कमजोर एलियन या इंसान ने डायरेक्टली इन स्टोन्स को हाथ में ले लिया तो ये स्टोन उसे तबाह कर सकते हैं। मूवीज में अभी तक सिर्फ पावरफुल क्रिएचर्स ही इन स्टोन्स को डायरेक्टली यूज कर पाए हैं, जैसे कि थेनोस, रोनन, मेलिकेथ, स्टार लॉर्ड जो कि आधा इंसान और आधा एलियन है, और अल्ट्रॉन माइंड स्टोन को सिर्फ इसलिए टच कर पाया था क्योंकि वो एक पावरफुल रोबोट था और वो खुद माइंड स्टोन से बना हुआ था। ये स्टोन्स किसी को नुकसान ना पहुंचा सके, इसलिए एंशियंट टाइम में पावरफुल मैजिशियंस और एलियंस ने मिलकर कुछ ऐसी कवरिंग या कंटेनमेंट यूनिट बनाई जिससे सब सुरक्षित रहे और इन स्टोन्स की पावर्स को यूज भी किया जा सके। इसीलिए अभी तक सभी इन्फिनिटी स्टोन किसी ऑब्जेक्ट के अंदर या फिर किसी दूसरे फॉर्म में ही मिले। तो चलिए अब देखते हैं मूवीज में हमें इन्फिनिटी स्टोन कब और कैसे दिखे और क्या है इनकी पावर्स। सबसे पहला इन्फिनिटी स्टोन हमें दिखा कैप्टन अमेरिका के फर्स्ट पार्ट में, जो कि है स्पेस स्टोन। ब्लू कलर का ये स्पेस स्टोन एक क्यूब के अंदर है जिसे टेसरे क्यूब कहा जाता है। इस जेम का काम है स्पेस को कंट्रोल करना। इसकी मदद से खुद को या किसी को भी यूनिवर्स में कहीं भी टेलीपोर्ट किया जा सकता है। हमने इन्फिनिटी वॉर के ट्रेलर में देखा कि स्पेस स्टोन अब टेसरे क्यूब से बाहर आ चुका है और वो थेनोस के गाउंटलेट में फिट है, और इसी स्टोन की मदद से थेनोस टेलीपोर्ट होके सबके सामने आया। टेसरे क्यूब के अंदर बंद होने के बावजूद भी ये स्टोन इतना पावरफुल है कि शील्ड और हाइड्रा ने इसकी मदद से हथियार बनाए, और रेड स्कल ने जब इसे डायरेक्टली अपने हाथों में पकड़ा तब उसका हाल बहुत बुरा हुआ। स्पेस स्टोन बहुत सालों तक नॉर्वे के एक चर्च में था, फिर ये हाइड्रा के पास गया, फिर शील्ड, फिर एसगार्ड, अब ये स्टोन लोकी के हाथ से निकल के थेनोस के पास जा चुका है। अगला स्टोन है रियलिटी स्टोन, जो कि हमें सबसे पहली बार दिखा थॉर द डार्क वर्ल्ड मूवी में। रियलिटी स्टोन एक लिक्विड के फॉर्म में है जिसे ईथर के नाम से जाना जाता है। इसकी मदद से रियलिटी को बदला जा सकता है। वैसे तो ईथर लिक्विड के फॉर्म में है, लेकिन हमने एज ऑफ अल्ट्रॉन में थॉर के सपने में देखा कि लिक्विड ईथर सॉलिड स्टोन में कन्वर्ट हो गया था। थॉर द डार्क वर्ल्ड में ईथर को कलेक्टर के म्यूजियम में रखा गया था, और हाल ही में इन्फिनिटी वॉर के कुछ सीन सामने आए जिसमें कलेक्टर का म्यूजियम पूरी तरह से बिखरा हुआ था और कलेक्टर से कोई ज़बरदस्ती रियलिटी स्टोन के बारे में पूछ रहा था, जो कि शायद थेनोस है। अगला स्टोन है पावर स्टोन, जो कि हमें पहली बार दिखा गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी मूवी में। ये पर्पल कलर का स्टोन ऑर्ब नाम के एक गोले के अंदर है। पावर स्टोन को अगर सही तरह से यूज किया जाए तो ये स्टोन उसके यूजर की फिजिकल और मेंटल एबिलिटीज को बढ़ा सकता है। पावर स्टोन को अगर दूसरे इन्फिनिटी स्टोन के साथ यूज किया जाए तो ये स्टोन उनकी पावर्स को भी बढ़ा सकता है। इस स्टोन को गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी मूवी के एंड में नौ कॉप्स के हेडक्वार्टर में रख दिया गया था, लेकिन इन्फिनिटी वॉर के ट्रेलर में ये स्टोन हमें थेनोस के गाउंटलेट में भी दिखा, जो कि शायद थेनोस ने नौ कॉप्स को हराकर उनसे ये स्टोन ले लिया है। अगला स्टोन है माइंड स्टोन,
माइंड स्टोन लोकी की छड़ी यानी सेप्टर में था और ये सेप्टर थेनोस ने दिया था लोकी को अर्थ से टेसरेक्ट क्यूब लाने के लिए। माइंड स्टोन एक येलो कलर का स्टोन है जो कि हमें पहली बार दिखा एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में, जब अल्ट्रॉन ने उसे सेप्टर से बाहर निकाला। माइंड स्टोन एक पावरफुल कंप्यूटर की तरह है जो किसी का माइंड बना भी सकता है और माइंड बिगाड़ भी सकता है। वांडा और पिएट्रो मैक्सिमॉफ दोनों ही भाई बहनों को अपनी पावर्स इसी माइंड स्टोन की मदद से मिली है। अल्ट्रॉन और विजन दोनों ही इस स्टोन की मदद से बने थे। फिलहाल माइंड स्टोन विजन के सर में है, जिसे इन्फिनिटी वॉर के ट्रेलर में प्रॉक्सिमा मिडनाइट और कॉरवस ग्लेव निकालने की कोशिश कर रहे थे। इसके बाद आता है टाइम स्टोन, जो कि हमें पहली बार दिखा डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी में। ये एक ग्रीन कलर का स्टोन है जो कि एक नेकलेस के अंदर है, जिसे आई ऑफ एगामोटो कहते हैं। बहुत पहले एक जादूगर था जिसका नाम था एगामोटो। उसने टाइम स्टोन की पावर्स को अच्छी तरह से यूज किया था और साथ ही साथ उसने टाइम स्टोन को रखने के लिए एक नेकलेस भी बनाया ताकि बाकी लोग भी उसकी पावर्स बिना किसी खतरे के यूज कर सके। और ये नेकलेस एक आय की शेप में है, इसलिए इसे आय ऑफ एगामोटो के नाम से जाना जाता है। टाइम स्टोन समय के बहाव को धीमा या तेज कर सकता है, टाइम को रोक सकता है या फिर टाइम लूप्स बना सकता है। टाइम स्टोन की वजह से ही हमें एमसीयू में पहली बार टाइम के साथ छेड़छाड़ दिखी। और जब टाइम की बात चल ही रही है तो मैं एक और बात बता दूं कि इन्फिनिटी वॉर के ट्रेलर के इस सीन में बहुत से फैंस ने एक बात नोटिस की। इस सीन में सिर्फ टोनी स्टार्क ही हिलता हुआ दिख रहा है और देखने से ऐसा लग रहा है कि बाकी सभी लोग बिल्कुल फ्रीज हो चुके हैं। और अगर सच में इस सीन में सभी लोग फ्रीज है तो ये काम सिर्फ टाइम स्टोन की मदद से ही पॉसिबल है। और अगर ये काम टाइम स्टोन की मदद से ही किया गया है तो यहाँ पर दो बात नोट करने वाली है। पहली तो ये कि डॉक्टर स्ट्रेंज यहाँ पर खुद भी फ्रीज है, तो मतलब टाइम स्टोन इस वक्त किसी और के पास है। यहाँ पर अभी डॉक्टर स्ट्रेंज की मैजिकल शील्ड की वजह से ये बताना मुश्किल है कि उनके पास टाइम स्टोन है या नहीं, जबकि बाकी सीन्स में हमें डॉक्टर स्ट्रेंज के गले में टाइम स्टोन दिखा। और दूसरी बात ये कि यहाँ पर टोनी स्टार्क फ्रीज क्यों नहीं है। इसका रीजन ये हो सकता है कि टोनी स्टार्क की चेस्ट पर उसका आर्क रिएक्टर है, इसलिए उस पर टाइम स्टोन का असर नहीं हुआ। क्योंकि हमने एवेंजर्स के पार्ट वन में देखा था कि आर्क रिएक्टर की वजह से टोनी स्टार्क पर माइंड स्टोन का भी असर नहीं हुआ था। दोस्तों, इस सीन के बारे में मैंने जो कुछ भी कहा वो बस फैंस की थ्योरी है और मूवी थोड़ी अलग भी हो सकती है। और सबसे लास्ट है सोल स्टोन। ये स्टोन ऑरेंज कलर का है और ये किसी की भी सोल यानी आत्मा को कंट्रोल कर सकता है, जैसे कि मरे हुए लोगों को जिंदा करना या जिंदा लोगों को मारना। ये स्टोन हमें अभी तक किसी भी मूवी में नहीं दिखा। सोल स्टोन को लेकर अब तक बहुत सारी बातें सामने आ चुकी है। कुछ फैंस का मानना है कि सोल स्टोन वकांडा में है और वो हमें आने वाली मूवी ब्लैक पैंथर में दिखेगा, तो कुछ लोगों का मानना ये है कि सोल स्टोन हाइमडाल के अंदर है। इन्फिनिटी स्टोन को लेकर फैंस ने एक पैटर्न नोटिस किया है, जिसके हिसाब से इन्फिनिटी स्टोन जिस चीज़ के भी अंदर था उस चीज़ के नाम का पहला लेटर मिलकर बनाता है थेनोस। अगर ये पैटर्न सही हुआ तो सोल स्टोन हमें किसी एच नाम की चीज़ के अंदर दिख सकता है। थेनोस सभी इन्फिनिटी स्टोन को जमा करके इस गाउंटलेट में लगाना चाहता है, जिसे इन्फिनिटी गाउंटलेट कहते हैं। ये इन्फिनिटी गाउंटलेट हमें पहली बार दिखा था एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन के मिड क्रेडिट सीन में। हालांकि उस वक्त ये इन्फिनिटी गाउंटलेट हमें काफ़ी प्लेन और सिंपल दिखा था, और अब ये गाउंटलेट डिज़ाइन में थोड़ा सा अलग दिख रहा है। इस गाउंटलेट की मदद से सभी इन्फिनिटी स्टोन्स की पावर को एक साथ यूज़ किया जा सकता है। तो अब बात करते हैं कि थेनोस इन्फिनिटी स्टोन्स से क्या करना चाहता है। तो सबसे पहली बात तो ये कि एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर मूवी मेनली दो कॉमिक से इंस्पायर्ड है, थेनोस क्वेस्ट और इन्फिनिटी गाउंटलेट, जो कि 1990 और 1991 में आई थी। उस कॉमिक्स में थेनोस मिस्ट्रेस डेथ के प्यार में था और डेथ ने उसे कहा था कि यूनिवर्स की आधी पॉपुलेशन ख़त्म कर दे ताकि यूनिवर्स का बैलेंस सही हो सके। और यूनिवर्स की आधी पॉपुलेशन ख़त्म करना ये थोड़ा मुश्किल काम था, इसलिए थेनोस ने इन्फिनिटी स्टोन्स जमा करना शुरू किया था ताकि वो ये काम आसानी से कर सके और डेथ को खुश कर सके। हालांकि मूवी में थेनोस ये काम डेथ के लिए कर रहा है या खुद के लिए ये तो हमें अभी तक पता नहीं, पर ट्रेलर में थेनोस ने इतना ज़रूर कहा कि वो यूनिवर्स में बैलेंस बनाना चाहता है। पर ये बात अभी क्लियर नहीं है कि थेनोस यूनिवर्स की आधी पॉपुलेशन ख़त्म करना चाहता है या फिर वो सिर्फ यूनिवर्स के पावरफुल लोगों को ही मारना चाहता है। ऊपर से हमने थॉर रैग्नारोक मूवी में देखा हेला को, जिसे गॉडेस ऑफ डेथ बताया गया था। तो इस बात को लेकर कुछ फैंस का ये मानना है कि हेला और थेनोस दोनों मिले हुए हैं। तो दोस्तों, ये थी इन्फिनिटी स्टोन्स के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन। अगर आप एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर मूवी के बारे में और भी जानना चाहते हैं तो हमारी ट्रेलर ब्रेकडाउन वाली वीडियो जरूर देखें।
अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए, और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और इस बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको हमारी वीडियोस सही टाइम पर मिल सके।